हेलो गाइस, वेलकम टू एनडी इन्फो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले रेडमी के नोट 11 प्रो के बारे में, जो बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आपको इस डिस्प्ले में आपको 10 बिट डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर आपको HDR 10 प्लस का भी सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पर आपको MediaTek की तरफ से MediaTek का न्यू प्रोसेसर MediaTek Dimensity 920 का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, जो 5G होने वाला है। ये MediaTek का न्यू प्रोसेसर जो इस स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं स्मार्टफोन के कैमरे के बारे में। तो यहाँ पर आपको 108 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरे का सेटअप देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल सकता है। बात करते हैं स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे के। यहाँ पर आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। बात करते हैं स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में। यहाँ पर आपको 5000 mAh बैटरी देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर आपको 67 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, जो इनबॉक्स होने वाला है। बात करते हैं इसके कुछ कनेक्टिविटी के बारे में। यहाँ पर आपको UFS 3.1 का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, LPDDR4X देखने को मिलने वाली है, NFC का भी सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आपको JBL के ड्यूअल स्टूडियो स्पीकर देखने को मिलने वाला है, जो JBL की तरफ से होने वाला है। बात करते हैं इसकी रैम और स्टोरेज के बारे में। यहाँ पर भी आपको 6GB रैम और 8GB रैम देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर आपको 128GB इंटरनल स्टोरेज और 256GB इंटरनल स्टोरेज तक देखने को मिल सकता है। यहाँ पर बात करते हैं इसके OS के बारे में। यहाँ पर आपको MIUI 13 का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है और Android 12 का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। बात करते हैं स्मार्टफोन के प्राइस और लॉन्च डेट की। तो बताया जा रहा है स्मार्टफोन के प्राइस 20,000 से 25,000 के बीच में देखने को मिलने वाली है। और बात करें स्मार्टफोन की लॉन्च डेट की, तो ये स्मार्टफोन हमें नेक्स्ट मंथ इंडिया में देखने को मिलने वाला है। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।